हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में जाएं और कैपेसिटर और रेजिस्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करें तो हमको बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि हम सीरीज पैरेलल आसानी से पहचान नहीं पाते। हमको एक प्रॉब्लम होती है कि सीरीज पैरेलल कैसे देखें, तो आइए इसको समझते हैं कि सीरीज पैरेलल कैसे देखते हैं और क्या क्या समस्याएं आती है इसमें, उनको डील करते हैं। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देखिए एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जब आपको कोई न्यूमेरिकल मिले जिसमें कहा जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करो, तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से दो पॉइंट के बीच आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस पूछा गया है। जब आप ये जान जाओ कि कौन से दो पॉइंट के बीच पूछा गया है, जैसे ए और बी के बीच या बी और सी के बीच या सी और डी के बीच, किसी भी दो पॉइंट के बीच, तब आप ये न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करो। यानी यू विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल ओनली व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हिच टू पॉइंट्स यू हैव टू सॉल्व। कौन से दो पॉइंट है जिनके बीच आपको इक्विवेलेंट पता करना है, फिर आप क्या करेंगे, अगला स्टेप सुनिए। जैसे मान लीजिए वो पॉइंट है ए और बी, आप जान गए कि ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। अब आप क्या करेंगे, ए और बी किसी एक से कुछ करंट, मान लीजिए आई करंट आप भेजेंगे, यू विल सेंड अ करंट आई फ्रॉम ए और बी, ए या बी से कहीं एक से। तो मान लीजिए आपने ए से भेजा, तो अब आपको फाइनली बी से उतनी ही करंट वापस भी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी लॉस ऑफ करंट, यानी करंट के पूरे फ्लो में कहीं भी करंट जितनी आपने भेजी है और जितनी आपको फाइनली मिल रही है उसमें कहीं भी लॉस में नहीं होना चाहिए। ओके, पहली बात तो ये एक बात हो गई कि सीरीज पैरेलल कैसे देखते हैं। और आप सब जानते हैं सीरीज में करंट सेम रहती है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। देखिए एक लॉजिक ये हो गया। दूसरा लॉजिक सुनिए, अगर कोई दो पॉइंट किसी ऐसे वायर से जुड़े हो, कोई भी दो पॉइंट किसी ऐसे वायर से जुड़े हो जिसमें कहीं रजिस्टर या कैपेसिटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ना हो, रजिस्टर कैपेसिटर सेल कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें ना जुड़ा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जहां से वो वायर स्टार्ट किया और जहां वो फिनिश किया दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, और अगर वो सेम पोटेंशियल पर है तो आप उनका नाम अलग अलग नहीं रखेंगे। अगर ये पॉइंट ए है तो अगला पॉइंट भी बी ए ही होगा, बी नहीं होगा। जैसे देखिए इस पॉइंट का नाम ए है तो इस पॉइंट का नाम भी ए होगा, जैसे मैंने बताया कि इसके इसके बीच कोई भी रजिस्टर नहीं जुड़ा है। अब यहां से आगे बढ़िए और देखिए इस पॉइंट का नाम भी क्या है, ए, क्योंकि इसके इस रास्ते से चलने पर आपको यहाँ पर इस पूरे ट्रैक में कहीं भी रजिस्टेंस नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये कि ये पॉइंट भी ए होगा। अब यहां देखिए ये पॉइंट बी है, नेचुरल है कि ये भी बी होगा। अब यहां से मूव करते हुए आइए, कोई भी रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी बी होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच ये वाला रजिस्टर है, ए और बी के बीच ये वाला रजिस्टर है, ए और बी के बीच ये वाला रजिस्टर भी है, यानी अब तीनों रजिस्टर ए और बी के बीच में है, इसका मतलब तीनों के इन पॉइंट ए और बी है, इसका मतलब ये पैरेलल में है। और अगर 10 तीन बार पैरेलल में है तो इसका आंसर आया 10/3। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर आपने किसी दो पॉइंट को एक वायर से जोड़ा है तो वो दोनों पॉइंट के इन पॉइंट्स के नेम सेम होंगे, ये ए है तो ये भी ए ही होगा। ओके, अब यहां ये आपको ए और बी के बीच पे पता करना है, आपको हर बार ए और बी के बीच ही पता करना है, ठीक है। यहां देखिए ये ए है, ये बी है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये तो बी है, ठीक है, ये ए है तो ये भी ए होगा,
क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा। ये ए है तो ये भी ए होगा, कारण वही कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा। ये ए है तो ये भी ए होगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ए और बी के बीच ये वाला 10 है, ए और बी के बीच ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, यानी ए और बी के बीच सभी चारों 10 है। तो 10 चार बार ए और बी के बीच में है और सभी पैरेलल में है, तो ये आंसर आ गया 10/4, 2.5 ओम, 2.5 ओम। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ लॉजिक ये चल रहा है कि अगर दो पॉइंट सिंपल वायर से जुड़े हैं तो वो एक ही नाम यानी एक ही पोटेंशियल वाले होंगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग उस कंडीशन को जैसा वो दी हुई है उसको डील करेंगे। ओके, देखते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में आप नेट रेजिस्टेंस बताइए, तो आप देखिए इस दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है, इसके इसके बीच में भी है, सबके बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर मैं वो लॉजिक नहीं लगाऊंगा। अब मैं आपको जो अभी शुरुआत में बताया कि ए और बी के बीच आपको पता करना है, तो ए से करंट भेजिए, मान लीजिए आई, और आपको फाइनली बी से उतनी ही करंट वापस भी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जितनी करंट आपने भेजी आपको फाइनली उतनी करंट वापस भी चाहिए। दिस इज द लॉजिक। अब ये करंट यहाँ डिवाइड होगी, मान लीजिए इधर आई वन गई, अब आई वन यहाँ वेट करेगी इन सभी का, इधर आई टू गई, ठीक है, आई टू यहाँ पहुंची, इधर गई आई थ्री और इधर गई आई फोर, कितनी करंट जा रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप इसमें देखिए, अगर इसमें आई फोर है तो पक्का इसमें भी आई फोर होगी, यानी ये दोनों सीरीज में है। 10 10 20 20 20, अब देखिए पैरेलल में है, इसे इस पॉइंट का नाम रख लीजिए सी। तो सी और बी के बीच में ये 20 है, सी और बी के बीच में ये वाला 20 भी है, 20 20 10, ये 10, ये 10 सीरीज में है, 10 10 20 20 10 पैरेलल में है। इसका आंसर आया 20/3। आप सॉल्व कर लीजिए, 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/r, 20 आंसर हो गया। 1 + 2, 3/20, उसका रिवर्स कर लीजिए, 20/3। मैं फिर से बोलता हूँ, देखिए यहाँ वाले ब्रांच में देखिए करंट सेम होगी, 10 10 20। अब इसके सिरे क्या है, बी और सी, इस पूरे के बी और सी, तो बी और सी के बीच में यहाँ 20, यहाँ भी 20, दोनों पैरेलल में 20 20 10, और ये 10 10 20 और 20 10 पैरेलल में है, 20/3। तो ये हो गया कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल के न्यूमेरिकल आपको मिले हैं तो बेसिक क्या है। बेसिक ये है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च दोज पॉइंट्स बिटवीन विच यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट और नेट रेजिस्टेंस। अगर आपने ये सर्च कर लिया और आपने वो न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर दिया तो पक्का जान लीजिए अब आपका न्यूमेरिकल आएगा जरूर, क्योंकि आप रास्ता सही सेलेक्ट कर लिए हैं। और ये बात ध्यान रखिए, जितनी करंट आपने ए से भेजी है फाइनली आपको उतनी करंट वापस भी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, मैंने आई वन इधर भेजी, इधर आई टू गई, फिर इधर आई थ्री गई, इधर आई फोर गई, ये सब करंट आकर यहाँ मिलेंगी और सबका सम फिर से आई वन होगा। मतलब आई वन का सम में जुड़ेगा सम तो आई आएगा, मतलब जितनी करंट आपने भेजी थी आई, आपको फाइनली उतनी करंट मिल भी रही है। तो यू मस्ट नॉट लूज एनी अमाउंट ऑफ करेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये हो गया एक लॉजिक। अब एक और बात सुनिए, देखिए कभी कभी क्या होगा कि आपसे करेंट की वैल्यू पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट इन एनी सर्किट, तो उसको आप कैसे लगाएंगे, उसको डील करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 10 ओम और यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है 10 ओम और यहां लिखा है 20 ओम, और यहां से कुछ करंट आ रही है मान लीजिए 10 एम्पियर, तो पक्का यहां से 10 एम्पियर जाएगी भी, ठीक है, जितनी करंट आ रही है ए से उतनी करंट बी से जाएगी भी। अब आपसे पूछा गया भैया इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ, क्योंकि तो करंट यहाँ डिवाइड होगी, तो आप इस न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे। देखिए
पैरेलल की शर्त समझिए। पैरेलल क्या होता है? अगर एंड पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट क्या होता है, जैसे देखिए 10 है, इसका एक सिरा कहाँ आया है, ए पर, और दूसरा बी पर, इसका मतलब ये ए और बी के बीच है। अब इसको देखिए, ये भी ए और बी के बीच में है, यानी ये दोनों पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो पक्का वोल्टेज सेम होगा, यानी जो इसका वी होगा वही भी इसका होगा। तो आप पहले यहां लिख लीजिए V इज इक्वल टू V, यानी दोनों का वोल्टेज बराबर है। अब इसमें करंट मान लीजिए I1, इसमें I2, तो इसका वोल्टेज कितना हुआ ओम्स लॉ से, IR यानी 10 I1, इसका कितना हुआ 20 I2, ये 0 हो गया कैंसिल, I1 इज इक्वल टू 2 I2, यानी इसमें जो करंट है वो इसकी डबल है फिलहाल। और आप ये देख रहे हैं कि ये 10 जो है वो I1 I2 में डिवाइड हो रहा है, तो I1 प्लस I2 विल बी 10, I1 इज 2 I2, यहाँ लिखिए 2 I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 10, 3 I2 इज इक्वल टू 10, I2 इज इक्वल टू 10/3, और अगर I2 10/3 है तो I1 होगा 2 × 10/3 यानी 20/3। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर करंट आ रही है और डिवाइड हो रही है, तो लॉजिक आप वहां ये लगाएंगे कि अगर पैरेलल में है तो पक्का पैरेलल में एक ही डिफिनेशन है कि वी सेम होगा, और पैरेलल की पहचान क्या है, एंड पॉइंट सेम होते हैं। तो वोल्टेज आप पहले का सॉल्व करिए, वोल्टेज आप दूसरे का सॉल्व कीजिए, और दोनों वोल्टेज आप कर दीजिए इक्वल, आपका न्यूमेरिकल लग गया। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, डोंट रिमेम्बर एनी फॉर्मूला, बी बेसिक, यानी आप बेसिक से चलिए और बेसिक समझिए, पैरेलल में वी सेम होता है। अब इस न्यूमेरिकल को एक्सटेंड करते हैं, देखिए मान लीजिए कि ऐसे ही यहां से करंट आ रही है 10 एम्पियर, और यहां पर तीन रजिस्टर लगे हुए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए तीन, चार भी हो सकते हैं, आप वैसे ही इसको एक्सटेंड करते जाइए। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा है 2 ओम, यहाँ लिखा है 3 ओम, यहाँ लिखा है 4 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो देखिए इसके सिरे भी ए और बी है, इसके भी और इसके भी, तो क्या सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में है? पक्का पैरेलल में है, तो सबका वोल्टेज होगा सेम, पहली बात ये। ओके अब ध्यान दीजिए, इसमें करंट आप मान लीजिए कितनी, I1, इसमें मान लीजिए I2, तो बताइए इसमें कितनी होगी, 10 में से एक हिस्सा इधर गया I1, एक इधर गया I2, तो इधर जाएगा 10 − I1 + I2, 10 में से I1 इधर गया, I2 इधर गया, तो इधर कितना जाएगा 10 − I1 + I2, और इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज होगा इक्वल, तो तीनों वी इक्वल कर दीजिए, V इज इक्वल टू V, यहां V होगा 2 I1, यहां V होगा 3 I2, यहां V होगा 4 × 10 − I1 − I2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 2 I1 = 3 I2, यानी I1 = 3/2 I2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 2 I1 = 4 10 − I1 − I2, 2 × 4 I1 = 20 − 2 I1 − 2 I2, ये I1 इसमें आके ऐड होगा, 3 I1 = 20 − 2 I2। अब इसको इधर लाइए, 3 I1 = 20 − 2 I2, और यहां से क्या आया है, I1 = 3
3 by 2 by 2, यहाँ देखिए 3 into I1 की वैल्यू 3 by 2 I2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2 I2, इसको इधर लाइए तो ये हो गया 9 by 2 I2 plus 2 I2 इज इक्वल टू 20, 2 2 जा 4 9 13 I2 by 2 इज इक्वल टू 20, I2 आ गया 40 by 13, 40 by 13। अब ये जो करंट आई 40 by 13 I2, वो आप यहाँ लिख दीजिए तो I1 आ जाएगा, और I यानी 10 में से I1 प्लस I2 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका I3 यानी सभी ब्रांच की करंट आ जाएगी। ठीक है, इसको लगाने के और भी तरीके हैं, स्मार्ट तरीके हैं जिसमें आपको इतने कैलकुलेशन नहीं करने होंगे, और लेकिन मैं आपको वो नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप किसी भी सर्किट के न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा फार्मूला ना याद करते हुए बेसिक कैसे लगाएंगे, और ये इसलिए आपको जानना जरूरी है कि हर जगह शॉर्टकट नहीं लगता, वहां आपको बेसिक ही लगाना होगा। ओके, तो बेसिक ये है कि आप पैरेलल में वोल्टेज सेम कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे कि एक बार मेडिकल में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, IIT में भी आ चुका है, ITJ में इस तरह के कई सवाल आए हैं, मैं आपसे देखिए पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, नाम रख देते हैं सबका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और सब में 10 ओम के रजिस्टर लगे हैं, सभी ब्रांच में 10 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। अब आपसे ये पूछा गया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच, जैसे आपसे पूछा गया कि नेट रेजिस्टेंस बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस, तो ये सवाल अभी अधूरा है क्योंकि नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो हर दो पॉइंट के बीच में अलग अलग आएगी, ऐसा नहीं है कि सब आंसर सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, तो आप क्या करेंगे, ए से आपने करंट भेजी, ओके आई, यहां से करंट जा रही है आई, यहां पहुंची, अब ये करंट इधर नहीं जा सकती क्योंकि अगर इधर गई तो लौट के कैसे आएगी, यहां तो सर्किट ब्रेक है, यानी इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। ध्यान दीजिए यहां से करंट आई, इधर कुछ जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन ये करंट इधर नहीं जाएगी, बात समझिएगा, क्योंकि अगर इधर करंट गई तो ये वापस आने का रास्ता इसका नहीं है क्योंकि कहीं से दोबारा ये जुड़ा नहीं हुआ सर्किट से, तो ए से करंट आने के बाद इधर जाएगी 0, इधर करंट जाएगी, इधर भी करंट जाएगी और फिर यहां पहुंचेगी, इधर करंट 0, इधर करंट 0, यानी इन दोनों में फिर 0, तो ये करंट ऐसे इधर लौट आएगी, यानी जो करंट इधर गई पूरी की पूरी इधर लौट आएगी, यानी ये दोनों 10 10 सीरीज में, फिर इधर जो करंट गई वो पूरी इधर लौट जाएगी। कारण वही है कि अगर इधर करंट आई और इधर नहीं गई, इधर इधर चली गई, तो आप जान रहे हो वो लौट के आने का रास्ता नहीं है उसका, तो यहां से करंट आई इधर गई एक, इधर गई 10 10 20, इधर इधर गई 10 10 20, 20 20 पैरेलल में है, देखिए 20 20 10, तो ये 10 20 20 10 और ये 10 10 10 10, देखिए फिर सुनिए, ऐसे करंट आई इधर इधर नहीं जाएगी,
इधर इधर गई और यहाँ पे इधर इधर नहीं जाएगी, तो ये करंट ऐसे आई इधर इधर गई, लेकिन जो इधर गई वही इधर जाएगी और जो इधर गई वही इधर जाएगी। तो दीज आर टू करंट्स आर सेम, दे आर इन सीरीज, दस दस बीस, दे आर ऑल्सो इन सीरीज, दस दस बीस, बीस बीस पैरेलल में है, ट्वेंटी ट्वेंटी टेन, टेन टेन टेन। तो ए और जे के बीच नेट रेस्ट, ए और एच के बीच नेट रेजिस्टेंस आएगा 30 ओम, ए और एच के बीच नेट रेजिस्टेंस आएगा 30 ओम। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज नेट रेजिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच, इसके और इसके बीच नेट रेजिस्टेंस बताओ। तो आप फिर से यहां से करंट भेजेंगे और यहां से आपको वापस चाहिए, तो आपने यहां से करंट भेजी, ऐसे करंट आ रही है, यहां पहुंची, इधर नहीं जाएगी, यानी ये करंट एक इधर चली गई, जो इधर गई वही इधर जाएगी, वही इधर जाएगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं यहां से जब करंट यहां पहुंचेगी तो इस जंक्शन पर इधर करंट नहीं जाएगी, इधर करंट कितनी जाएगी, जीरो, इधर जाएगी कुछ, जो इधर जाएगी वही इधर जाएगी, वही इधर जाएगी, क्योंकि इसमें 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 करंट नहीं जा सकते। तो ये करंट यहां से आई, कुछ इधर गई, जो इधर गई वही इधर गई, वही इधर गई, तो दस दस दस, ये हो गया 30, और ये 30 इस 10 के साथ पैरेलल में है, तो 30 10 हो गया 30/40, और ये जो आंसर आया 30/40 वो अब इसके 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 सीरीज में है, यानी ये वाला आंसर इसके इसके सीरीज में है, तो +10 +10 यानी +20 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी एफ और एच के बीच का आंसर होगा द रेजिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एच विल बी ये, और फिर ये सीरीज, फिर ये पैरेलल, फिर ये 10, ये पूरा आंसर और ये तीनों सीरीज में होंगे। तो इस न्यूमेरिकल से आपको क्या लॉजिक निकला कि अगर किसी सर्किट में आपने एक सिरे से करंट भेजी और रास्ते में करंट डिवाइड हो रही है, ठीक है डिवाइड हो रही है तो ठीक है, लेकिन डिवाइड होने के बाद अगर करंट किसी ऐसे ब्रांच में जा रही है जिसमें जाने के बाद उसके लौट के आने का ऑप्शन ना हो, यानी दैट करंट इज परमानेंटली लॉस्ट, यानी उस करंट का पूरी तरह से लॉस हो रहा है, तो आप उधर करंट नहीं भेजेंगे, करंट केवल उसी ब्रांच में जाएगी जिस ब्रांच में जाने के बाद उसके वापस आने का ऑप्शन अवेलेबल हो। इसलिए इस सवाल में अगर कुछ भी अच्छा है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, तो वो सिर्फ इतना है कि क्या आप जब इधर से करंट भेजते हो ए से, तो क्या आप एस तक पहुंचने में इधर करंट डिवाइड करते हो? अगर आपने इधर करंट भेज दी तो पक्का अब आपका न्यूमेरिकल होने जा रहा है गलत, क्योंकि इधर से करंट गई तो लौट के आ नहीं पाएगी, क्योंकि अभी कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसी को कनेक्ट कर दूं तो अब ये करंट इधर भी जाएगी और ऐसे होते हुए आएगी, यानी इधर करंट अब जीरो नहीं होगी। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो मैं इतनी देर से एक ही बात कह रहा हूं कि वही ब्रांच आप सेलेक्ट कीजिए करंट भेजने के लिए जिसमें जाने के बाद करंट के वापस आने का ऑप्शन अवेलेबल हो, ठीक है? और इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, देखिए रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का लॉजिक एक ही है, बस फॉर्मूले इंटरचेंज है सीरीज पैरेलल के, लेकिन आप देखिए अगर आप लगाइए तो दोनों के सीरीज पैरेलल होने की डेफिनेशन एक ही है, सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता और यहाँ वोल्टेज, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए आपसे पूछा गया कि एक सेल का न्यूमेरिकल लेते हैं, सेल का देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया ये 10 है, 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम, और यहां पे एक सेल लगी हुई है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0, आर कितना है 0, और इसका वोल्टेज यानी ईएमएफ है 100 वोल्ट। ये वाला पॉइंट ए है,
ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट हम जान रहे हैं सी है, इससे अलग होगा ये पॉइंट डी है। अब आपसे पूछा गया कि इस सर्किट में कितनी करंट है, तो आप जान रहे हैं सेल के पॉजिटिव से करंट हम लोग बाहर मानते हैं और नेगेटिव से एंट्री करते हुए मानते हैं, तो यहाँ पर ये करंट ऐसे जा रही है और ऐसे होते हुए यहाँ से वापस आ रही है। देखिए सेल ने जितनी करंट दी है उसको उतनी करंट वापस मिल रही है, तो ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी करंट आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको फाइनली उतनी करंट वापस भी उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी वो वर्क करेगा। अदरवाइज अगर करंट लॉस होगी तो इनकंसिस्टेंसी आती जाएगी। ओके, अब आपसे पूछा गया व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी, ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब आप ध्यान दीजिए, ए ये है डी ये है, ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको ए और डी के बीच रेजिस्टेंस चाहिए, तो ए और डी के बीच रेजिस्टेंस हो गया 10, 10 सीरीज में यानी 20, 20 हो। अब आपको क्या नहीं पता है इस ब्रांच में करंट, अगर आप ये करंट जान जाइए तो आई आर से ओम्स लॉ से वोल्टेज आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो करंट सॉल्व कर लीजिए। आप जान रहे हैं कि सभी रेजिस्टेंस सीरीज में है 10 10 10, तो करंट आएगी आई इक्वल टू वी बाई आर से, वी है यहाँ पर 100, आर है यहाँ पर 30, यानी ये आया 10/3। तो करंट है इस सर्किट में 10/3, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है 20, तो वोल्टेज होगा वी ए डी इक्वल टू आई आर से, आई है 10/3, आर है 20, तो ये आया 200/3 वोल्ट। ठीक, ये ए और डी के बीच का वोल्टेज आ गया। अगर आपसे पूछे ए और सी के बीच, तो आई आई का आंसर आया अभी देखिए 10/3 × 10, सी और डी के बीच यही आंसर आएगा, डी और बी के बीच यही आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, अगर एक ही वोल्टेज है, अगर कोई सेल का वोल्टेज है और वो बराबर रजिस्टर में डिवाइड हो रहा है, मतलब सभी रजिस्टर्स बराबर है और आप जानते हैं सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो जितना ये वोल्टेज है उसके बराबर हिस्से होंगे, यानी यहाँ वोल्टेज कितना आएगा 10/3, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर होगा 100/3, यहाँ भी होगा 100/3 और यहाँ भी होगा 100/3। अब तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100/3 + 100/3 + 100/3 100, और अगर आप किसी दो के क्रॉस सॉल्व करेंगे तो 100/3 + 100/3 जो कि यहाँ आया है 200/3। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बराबर हो, रेजिस्टेंस बराबर ओम के हो, तो वोल्टेज बराबर रेशियो में भी डिवाइड होता है, तो 100 के 3 बराबर हिस्से हुए हैं, यहाँ पर भी 100/3, यहाँ पर भी 100/3 और यहाँ पर भी 100/3, देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस टोटल वोल्टेज 100। ओके, अब आते हैं पैरेलल में। देखिए अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता और मान लेते हैं यहां पर 10 ओम, यहां पर 20 ओम, यहां पर 30 ओम, अगर आप ध्यान दीजिए सभी पैरेलल में है, कारण इसके एंड पॉइंट ए भी है, अगर तो ये भी ए होगा, अभी मैं आपको बताया था ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, और ए और बी के बीच एक सेल जुड़ी हुई है जिसका वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 100 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0, यानी एक तरह से ईएमएफ है।
आपसे पूछा गया कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखिए क्या ए और बी के बीच ये है, ये है, ये है और ये है, यानी सेल 30, 20, 10 और ये सेल चारों पैरेलल में है। और अगर चारों पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो वोल्टेज कितना आया ए और बी के बीच, 100 वोल्ट, चाहे यहां देख लीजिए चाहे यहां चाहे यहां। तो यहां का वोल्टेज कितना आया 100, यहां का कितना आया 100, यहां का कितना आया 100। और आपसे पूछा गया है कि कितनी करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में, आपसे पूछा गया है कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, टोटल करंट। तो एक बच्चा होगा, एक स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा, इन सबका नेट रेजिस्टेंस निकालेगा, पैरेलल में 10, 20, 30 का नेट सॉल्व करेगा, आर नेट ऑफ 10, 20, 30 इन पैरेलल। जो उसका आंसर आएगा उसको नेट वोल्टेज से वो डिवाइड करेगा, उसको करंट मिलेगी नेट। ओके, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, वो भी एक तरीका है, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका लगा रहा हूँ। जब मुझे पता है सबका वोल्टेज है 100, तो मुझे सबकी करंट पता है, I1 होगा 100 बाई 10, देखो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, तो V है इसका 100, R है इसका 10, तो ये आया 10। इसकी करंट आई I2 इक्वल टू 100 बाई 25, ये आएगा I3 इक्वल टू 100 बाई 30, यानी 10 बाई 3। और ये तीनों करंट कौन दिया है, ये मेन करंट। तो ये मेन करंट कितनी आएगी, 100 बाई 10, यानी 10 प्लस 5 प्लस 10 बाई 3, ये आपकी नेट करंट आ गई। और ये तरीका अच्छा इसलिए है, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि मैंने नेट रेजिस्टेंस सॉल्व नहीं किया है, तो इसमें आप नेट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने से बच गए। और ऐसे अगर आप एनालाइज करेंगे कि पैरेलल में चीजें हैं तो वोल्टेज सेम होगा, और उससे आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज में है तो करंट सेम होगी, तो उससे आप क्या क्या डील कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले से थोड़ा हटेंगे और सीरीज और पैरेलल की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से अच्छे अच्छे सवाल इजीली लग जाते हैं। तो मैंने वही कोशिश की है आपको समझाने की कि कृपया पैरेलल ऑब्जर्वेशन को समझिए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से कई न्यूमेरिकल इजीली लग जाते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, और अब क्या करते हैं, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं। अभी तक मैं बोल रहा था कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0, यानी आइडियल सेल है। अब मैं बोल रहा हूं कि सेल का कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। देखिए ये है एक सेल, इसका ईएमएफ है 100 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 ओम, और ये ऐसे 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम के साथ कनेक्टेड है। ये 9 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 1 ओम, ये 100 वोल्ट। अब आपसे वही सवाल पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच, पहली बात। दूसरी बात, हर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 100 वोल्ट
इस 3 और 6 का रिजल्टेंट यानी 9 के साथ पैरेलल में है, तो वो बात होगी गलत। गलत क्यों होगी? देखिए ये 100 वोल्ट है तो इसका प्लस जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, ए पर। लेकिन जो माइनस है उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा आर एक ओम का। तो ये पॉइंट अब अगर आप बोलते हैं कि बी है, तो बी पॉइंट अगर ये है तो आप ध्यान दीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये सी होगा और ये पॉइंट बी है, यानी ये दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे क्योंकि माइनस टर्मिनल यहाँ जुड़ा है और बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो इस पॉइंट का नाम अलग होगा। तो बताइए सेल की टर्मिनल क्या है? व्हाट आर द टर्मिनल सिरे ऑफ द सेल ए और सी? क्या ये पॉइंट अगर बी है और ये ए है तो ये पॉइंट ए और बी होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ए और बी के बीच क्या ये 9 है? है। ये पूरा 9 भी ए और बी के बीच में है, ये भी ठीक है। लेकिन सेल के सिरे ए और बी नहीं है। सेल के सिरे अगर ए और बी होते तो पूरा अरेंजमेंट हो जाता पैरेलल में और मैं फिर से पिछले सवाल की तरह वी सेम करके आंसर लगा देता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैरेलल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक लगाएंगे। अब हमको नेट रेजिस्टेंस की ओर जाना पड़ेगा, एक तरीका और उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। जैसे ये 9 है, ये भी 9 है पूरा पूरा, तो 9 9 9/2 पैरेलल में, यानी ये 4.5 आया, और ये 1 ये सीरीज में, यानी 5.5। तो करंट की वैल्यू आई 9 9 का पैरेलल 4.5 प्लस 1 5.5, ये करंट आई नेट करंट। इसको अगर और सॉल्व कर ले आप तो ये हो गया 1000/55, यानी 5 से डिवाइड कीजिए ये 11 और ये 200, यानी 200/11 ये नेट करंट आ गई। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है, तो आप कुछ लगाइए मत, डोंट सॉल्व एनीथिंग। आप एक लॉजिक लगाइए, क्या ये 9 ए और बी के बीच है? है। क्या ये 3 ए और बी के बीच है? नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया बीच में डी। लेकिन ये पूरा 9 3 6 का रिजल्टेंट 9, ये 9 तो ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में ये भी है और ये भी है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस यानी आप कह सकते हैं दोनों 9 ओम के हैं और दोनों पैरेलल में हैं। तो अगर पैरेलल में हैं तो वोल्टेज सेम होगा, रेजिस्टेंस भी सेम है, वोल्टेज सेम होगा, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो आई भी सेम होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। दोनों के लिए वी सेम है, दोनों के लिए आर सेम है, दोनों के लिए आई भी सेम होगा। तो जो यहाँ से करेंट आ रही है नेट करेंट, जो कि आई थी 200/11, ये आधी आधी इधर जाएगी, इधर जाएगी 100/11 और इधर भी जाएगी 100/11। दोनों ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम होगी, कारण पैरेलल में है और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक, एक बात ये हो गई। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल, तो टर्मिनल माने होता है किसी चीज के सिरे, तो सेल इस सेल के सिरे क्या है, प्लस और माइनस, तो इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। आप जानते हैं आर यहाँ बनाया गया है, ये जो आर है ये आपने यहाँ बनाया है, वास्तव में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है। ओके, सेल का नाम ही क्या है, इस सेल के रेजिस्टेंस का नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सेल के अंदर होता है, एनोड और कैथोड के बीच। तो जब वहां करंट फ्लो करेगी तो ये करंट आई आर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेल के अंदर,
तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR अगर ये सेल डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग सेल क्या होती है? जो करंट दे रही हो। तो यहाँ देखिए करंट सेल दे रही है, तो इसका E है 100 माइनस I है 200/11 इंटू R है 1। तो ये आया 1100 माइनस 200 900/11 इतने वोल्ट। ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया 1100 माइनस 200 900/11 वोल्ट। अब अगर आप ध्यान दीजिए, ये आपने फॉर्मूले से सॉल्व किया E माइनस IR, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा इजीली और बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेल के टर्मिनल क्या है, इस आर को लेने के बाद, इस आर को इसके अंदर मानने के बाद, ए और बी, तो ए और बी के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। और यहाँ कितना होगा आई आर, आई कितना है इसमें, इसमें आई कितना है 100/11, 100/11। और इसका आर कितना है 9, इसमें आई कितना है 100/11 और उसका आर भी कितना है 9। तो आप ध्यान दीजिए 900/11 यही आंसर आया। यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के एनोड और कैथोड के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होता है जब सेल से करंट दी जा रही हो, और उस वक्त सेल के सिरों के बीच का वोल्टेज E माइनस आई आर होता है। इसको आप चाहे ऐसे सॉल्व करो, चाहे आप यहाँ ना सॉल्व करके यहाँ सॉल्व कर लो, तो कभी कभी यहाँ सॉल्व करना इजी होगा, कभी कभी यहाँ सॉल्व करना इजी होगा। इट डिपेंड्स ऑन द गिवन न्यूमेरिकल। जब सवाल आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसको देखकर आप देखिएगा कि कौन सा डाटा इजीली आपको अवेलेबल है, जिसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करने, आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। ये हो गई डिस्चार्जिंग सेल। अब देखिए दो तरह की सेल और होती है। एक होती है डिस्चार्जिंग सेल, जो करंट दे रही हो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR। एक सेल होती है सेल इन द ओपन सर्किट। सेल इन द ओपन सर्किट यानी ये सेल है, इसका EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये ओपन सर्किट में है, मतलब इसके पॉइंट A और B कहीं कनेक्टेड नहीं है। तो ना तो करंट ये सेल दे रही है ना ले रही है। तो अब इसके ए और बी के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा, कारण आप ध्यान दीजिए आई जीरो है। तो अगर आई जीरो है तो आई आर जीरो होगा, तो वी बराबर ई होगा। यानी ओपन सर्किट में, और ओपन सर्किट का मतलब क्या है, जब सेल ना तो सर्किट से या कहीं से करंट ले रही हो और ना उसको करंट दे रही हो, तब V AB बराबर E होगा। लेकिन अगर अगर सेल को करंट दिया जाए, जैसे ये सेल है इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से करंट दी जाए, ये करंट अब ले रही है, इसको बोलते हैं चार्जिंग सेल। क्या? चार्जिंग सेल। तो अगर सेल करंट ली, यहाँ से ले रही है किसी भी सोर्स से, उसको मैं यहाँ बनाया नहीं हूँ, यहाँ कोई सोर्स होगा, तो अगर सेल करंट ले रही है तो अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E प्लस IR। यानी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E से IR ज्यादा भी है, E से IR प्लस हो रहा है मतलब ज्यादा भी है, E के बराबर भी है और E से IR कम भी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मे बी इक्वल मोर लेस देन EMF ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल हो गए जो हम लोगों ने लगाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, पैरेलल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल इन ओपन, इन क्लोज एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सेल्स। अब आप क्या कीजिए, इसके न्यूमेरिकल लगाइए और इससे रिलेटेड कम से कम 10-20 न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो
जेई में, आई आई टी जेई में आए हुए हैं या नीट एग्जाम में या किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, जो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इजीली लग जाएंगे। और अब ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में इतना ही है और थोड़ा सा ज़्यादा आप चले जाते हैं तो किरचॉफ्स लॉ है, तो इनको रिलेट करते हुए जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।